हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आज फिर से चर्चा करने वाला हूँ महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड पे। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका मार्केट कैप 257 करोड़ का है। काफ़ी छोटी सी कंपनी है मार्केट में। स्टॉक पी 0.72 का, आरओसी 120%, करेंट प्राइस 182 रुपया है, बुक वैल्यू 326 रुपया। अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे में ट्रेड कर रही है ये शेयर। आरओई 120% का है, बावनवी का हाई लो 185 रुपया और 105 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया। हाँ तो दोस्तों, एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही। जून 2024 का जैसा कि आपको रिजल्ट शो हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट 1 करोड़ का सेल्स है, एक्सपेंस 1 करोड़ का, बट अदर इनकम जो है 13 करोड़ का है, जिसके वजह से ये कंपनी प्रॉफिट में है इस क्वार्टर में। देख सकते हैं अदर इनकम नॉर्मल में है 12.30 करोड़ का, यानी कि 12 करोड़ 30 लाख का, तो काफ़ी अच्छा है। अगर किसी भी कंपनी का नॉर्मल में अगर अदर इनकम है तो बेहतर माना जाएगा मेरे समझदारी के अनुसार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर 8.50 रुपया। तो पिछले क्वार्टर के अपेक्षा काफ़ी डाउन हुआ है इसका इनकम, इस कंपनी का। अब ध्यान देते हैं थोड़ा बैलेंस शीट पर। मार्च 2024 का ही है, इक्विटी कैपिटल 14 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 447 करोड़ का, काफ़ी अच्छा रिजर्व है इसके पास में, और ब्रोइंग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक देखने से बहुत ही अच्छी कंपनी है रिजर्व के मामले में, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। इन्वेस्टमेंट 519 करोड़ का हो चुका है, जहाँ पर कि मात्र 19 करोड़ का मार्च 2013 में होया करता था, वो मार्च 2017 में चेंज हुआ, 139 करोड़ का हो गया। ऐसे करके चेंज होते 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 अभी 519 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो चुका है। अदर एसेट 27 करोड़ का है, टोटल एसेट 549 करोड़, यानी कि 549 करोड़ का। अब एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। जून 2024 के अनुसार प्रमोटर के पास में 62.54% का है, डीआईज के पास में 0.01%, यानी कि ना के बराबर नाम मात्र का। पब्लिक 37.46% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखेंगे तो काफ़ी कम है, काफ़ी कम व्यक्तियों का इसमें इन्वेस्टमेंट है, जहाँ की 11,650 मात्र। इस शेयर में 13 अगस्त का 2 न्यूज शो हो रहा है इस वेबसाइट पे, जो कि screener.in वेबसाइट का नाम है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा। तो इस पर है न्यूज अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, और दूसरा है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। आप सभी देख सकते हैं bseindia.com वेबसाइट का नाम है, इस पे डिलीवरी पोजीशन इस शेयर का। तो जैसा कि 16 अगस्त 2024 लास्ट अपडेट 1600 बजे का है, क्वांटिटी ट्रेडेड 22,908, डिलीवरी में उठाया गया 16,797, परसेंटेज रहा 73.32% का, काफ़ी अच्छा डिलीवरी में उठाया गया इस शेयर के। ओवरऑल लास्ट में अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से इस शेयर में अभी भी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट का। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार
और सूझबूझ के अनुसार ही दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।